जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ द टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। एंड इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बायोरिएक्टर्स एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। नाउ बायोरिएक्टर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ वेसल विच हैज़ प्रोविजन ऑफ सेल कल्टिवेशन अंडर स्टेराइल कंडीशन एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट कंडीशंस, that is pH, temperature, dissolved oxygen, etc. Now, we have discussed about the, in the previous lecture, we have discussed how the foreign gene product that is obtained. ठीक है, अगर हमें small scale में चाहिए product को, then it can be obtained by culturing the cell in a lab only. Lab में ही हम उसे culture करके वो product ऑप्टेन कर लेते हैं। बट अगर हमको प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे चाहिए, ओके, फॉर द सप्लाई इन द मार्केट, मेडिसिंस बननी है, फूड आइटम्स बनने हैं, एग्रीकल्चरल जो भी एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं वो सब बनने हैं, ओके, डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स की अगर हम बात करें, तो अगर हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्ट चाहिए, उस केस में हम बेटा बायोरिएक्टर्स यूज़ करते हैं। बायोरिएक्टर्स जो हैं, दे आर द वेसल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें जो भी कंडीशंस होती हैं, स्टराइल कंडीशंस का मतलब है कि जो भी कंडीशंस होती हैं वो आर्टिफिशियली मेंटेन की जाती हैं, कि ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए एंड सफिशियंट डिजॉल्व ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, जिससे कि जो भी सेल है वो ग्रो कर सके और हमको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। ओके, सो इट कैन बी यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ माइक्रोबियल प्लांट्स और एनिमल सेल। दिस प्रोसेस कैन ईदर बी एरोबिक और नॉन एरोबिक डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। द बायोरिएक्टर्स दे आर कॉमनली सिलेंड्रिकल, रेंजिंग इन साइज फ्रॉम लीटर्स टू क्यूबिक मीटर्स एंड आर ऑफन मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। नाउ ये जो है, ये इनका साइज़ जो है, ये बायोरिएक्टर्स होते हैं उनका वेरी करता है, ओके, और यहाँ पे हम 100 से लेके 1000 लीटर तक का कल्चर को प्रोसेस कर सकते हैं, ओके, सो दैट इज़ इन बल्क। सो जो अगर हम इतना कल्चर प्रोसेस करेंगे तो इसका मतलब जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमको बल्क में मिलेगा, ओके, और जो भी कंडीशंस होती हैं, जो भी ऑप्टिमम कंडीशंस होंगी जो कि चाहिए फॉर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, वो हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, पीएच हुआ, सबस्ट्रेट हुए, सॉल्ट्स हुए, विटामिंस हुए, ऑक्सीजन, जो भी चीज़ें हमें चाहिए दैट इज़ प्रोवाइडेड। नाउ बेसिकली बायोरिएक्टर्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेयरिंग टाइप और एक होता है स्प्रैंक्ड स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, जिसमें से जो कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर है दैट इज स्टेयरिंग टाइप। नाउ ये जो आप फिगर देख रहे हो दैट इज़ अ फिगर ऑफ स्टेयरिंग टैंक रिएक्टर, बायोरिएक्टर, जो कि यूजुअली सिलेंड्रिकल शेप का होता है और इसका जो बेस होता है दैट इज़ कर्व्ड होता है, जिससे कि जो भी अंदर कंटेंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो सके। अगर फ्लैट होगा तो कॉर्नर्स में वो हो सकता है कुछ भी पार्टिकल रह जाए और फिर मिक्सिंग प्रॉपर ना हो, लेकिन सिलेंड्रिकल होगा तो मिक्सिंग बहुत अच्छे से होगी। और ये जो स्टेरर टाइप होता है, इसमें जो एक इसका मेन जो होता है दैट इज एजिटेशन सिस्टम, आप देख रहे हो सेंटर में एजिटेशन सिस्टम होता है, जो बेसिकली जो है मिक्सिंग जो है ऑक्सीजन जो भी अवेलेबल है वो मिक्सिंग और ऑक्सीजन की अच्छे से मिक्सिंग होती है, ताकि ऑक्सीजन हर उस रिएक्टर के हर पार्ट में अवेलेबल हो सके, ताकि जो भी कल्चर होना है सेल वो अच्छे से हो सके, ओके। एंड इसके अलावा एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर, ओके, जब ये एजिटेटर जो है जब मूव करता है, ठीक है, ये बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व करेगा तो मिक्सिंग भी होगी एंड एयर बबल्स विल बी प्रोड्यूस्ड, जो कि सरफेस एरिया को जो भी होगा ऑक्सीजन का उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ योर बायो रिएक्टर्स। नाउ अब अगर बायोरिएक्टर्स के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको हम तीन स्टेजेस में पढ़ सकते हैं, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायोरिएक्शन एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होगा, जो भी रॉ मटेरियल है वो पहली बात तो बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन का हो सकता है, उसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा सुटेबल फॉर्म में प्रोसेसिंग के लिए, और ये सब मेथड्स आते हैं अपस्ट्रीम, मीन्स तैयार करना, हमें रॉ मटेरियल को तैयार करना ताकि हम प्रोसेसिंग कर सकें,
ओके देन आता है अपस्ट्रीम, आफ्टर अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग आता है, अब जो भी रिजल्ट हमें मिला ठीक है उसको हम बायो रिएक्शंस करते हैं उससे, या तो हम ये कह सकते हैं जो भी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया अब उसको कल्चर करने का समय आ गया है ठीक है। तो इसके लिए बायो रिएक्टर्स यूज़ होते हैं जिससे हम बल्क में वो जो प्रोडक्ट है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। फाइनली क्या होता है कि अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है जिसमें क्या होता है प्रोडक्ट बन गया है ओके अब प्रोडक्ट को और प्रोसेसेस में हम सब्जेक्ट करते हैं ताकि वो फिनिश हो जाए, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो हट जाए, प्रोडक्ट अच्छे से प्यूरीफाई हो जाए एंड फाइनली इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, मार्केटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या आता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द बायो रिएक्टर्स इट अंडरगो थ्रू सम प्रोसेसेस बिफोर अ फिनिश्ड प्रोडक्ट ठीक है। जो प्रोसेसेस होते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटाना ओके ये कुछ स्टेजेस हैं, आप इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझ सकते हैं। जो भी इनसॉल्युबल है उस प्रोडक्ट में उसको हटा देना इनसॉल्युबिलिटीज़ को, और जो भी फिर हमें प्रोडक्ट चाहिए वो एक्सट्रैक्ट कर लेना, आइसोलेट कर लेना, फिर प्रोडक्ट को प्योरीफाई करना, पॉलिश करना एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज सेंड टू द मार्केट फॉर फॉर द सो दैट एवरीबडी फॉर मार्केटिंग हम कह सकते हैं, मार्केटिंग में मार्केट में सेंड कर दिया जाता है ओके सोल्ड करने के लिए ओके। सो इन दिस वे जो है मेडिसिंस भी हैं वो बहुत सारी बनती हैं, तो उसमें बायो रिएक्टर्स का यूज़ होता है ओके। फूड आइटम्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स में भी यूज़ होता है ओके। सो इन दिस वे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं ओके उसके बाद फाइनली उनसे प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो सब कुछ जो है बायो रिएक्टर्स के हेल्प से बल्क में प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जा सकता है और फाइनली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है मार्केट में सोल्ड करने के लिए ओके। सो दिस इज़ ऑल, विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबॉडी।